हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इम्प्लांट्स के दूसरे टॉपिक पहले टॉपिक में जो डिस्कस के लिए उसके बाद वाला पिछले टॉपिक्स में हम लोग हम लोग पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है मतलब फोटोसिंथेसिस के बेसिस के बेसिक के बारे में उसमें फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि वहाँ पर तीन स्टेप होता है पहला स्टेप कि सनलाइट से लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की मदद से प्लांट लेता है दूसरी चीज़ कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे जो वाटर लिया हुआ रहता है वो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और तीसरा स्टेप था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपका एटमोसफेयर से लिया था एटमोस्फेयरिक एयर से लिया था उसको उसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होकर के वो बंद कन्वर्ट हो जाता है ये बन जाता है वहाँ पे कार्बन ये कार्बोहाइड्रेट वो सिर्फ अकेले कार ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाता है वहाँ से जो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हुआ है वो उसको क्या करता है लाइट एनर्जी उसको यूटिलाइज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करता है और वहां से बनाता है कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी गिविंग फूड है अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये तीनों के तीनों स्टेप्स एक ही साथ होता है या फिर एक के बाद एक होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है ये एक के बाद एक भी हो सकता है तीनों स्टेप और दूसरा कि अलग अलग टाइम पे भी हो सकता है जैसे अगर बात करें डेजर्ट प्लांट की तो डेजर्ट प्लांट क्या करता है रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसको करता क्या है कि उसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट करने का मतलब कि जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए तो अगर मान लीजिए घर से दूध ले जाने की बहुत दूर ले जाने ले जाने की जरूरत है मतलब तीन सौ किलोमीटर दूर तो आपको लग आपको पता होगा कि तीन सौ सौ किलोमीटर जाने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा तो इसके लिए क्या होगा दूध खराब हो सकता है तो उसको क्या होंगे किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जैसे खोया में अगर उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा अब उसको क्या होगा बाद में यूज किया जा सकता है आसानी से जो भी बनाना होगा जो भी मिठाई बनाना होगा उस दूध से हम बना सकते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो ये डेजर्ट प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले, ले लेते हैं और उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वहाँ पर क्या था खोया तो ठीक उस तरीके से वहाँ पे उस तरीके कुछ प्रोडक्ट बना लेता है और जब सुबह सुब, सन राइज होता है दिन में तो उस सनलाइट को यूज करके क्लोरोफिल की मदद से जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया है उस पर काम करके वहां से एनर्जी गिविंग फूड बना लेता है और प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर लेता है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के, तीनों के तीनों स्टेप्स एक के बाद एक हो या फिर अलग अलग टाइम पे भी हो सकता है इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है हाउ डू प्लांट्स ऑप्टेन कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है तो आपको पता है कि प्लांट का जो लीव्स होता है अगर प्लांट की लिप्स की बात करें तो इस लीव्स में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं टीनी पोर्स लार्ज नंबर ऑफ टीनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्रीन लिप्स और इस टीनी पोर्स का नाम दिया गया है आपको एक बात बता दूंगी टोमाटा जो है प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर होता है स्टोमा stoma. स्टोमाटा एक प्लूरल वर्ड है और स्टोमाटा का सिंगुलर वर्ड होता है स्टोमा और हर स्टोमाटा हर स्टोमा घिरा हुआ रहता है किसी चीज से दो सेल से घिरा रहता है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल ए पेयर ऑफ सेल इच स्टोमाटा इज सराउंडेड बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स क्या होता है अब जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए जिस तरीके से हमारा माउथ है माउथ सराउंडेड रहता है लिप्स से पेयर ऑफ लिप्स ऊपर भी और नीचे भी ठीक उस तरीके से स्टोमाटा जो होता है दो सेल से कवर्ड ये सराउंडेड होता है और जिस सेल्स का नाम है गार्ड सेल जिस तरीके से इस फिगर को देखने की कोशिश कीजिए तो ये क्या है आपका स्टोमाटा है ये आपका लिप्स का सरफेस है इसके अंदर ये जो है आपका ये है आपका गार्ड सेल गार्ड सेल होता है और एक चीज और नोटिस कीजिएगा इसके अंदर आप कुछ सर्कुलर पोर्शन देख रहे होंगे उस सर्कुलर पोर्शन को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट अब जरा देखिए गार्ड सेल का काम क्या है गार्ड सेल का काम है टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर और यही है आपका पोर पोर बोलिए या फिर बात वही चीज होती है अब जरा देखिए स्टोमाटा खुलेगा कब जब गार्ड सेल चाहेगा स्टोमाटा बंद होगा कब जब गार्ड सेल चाहेगा अगर गार्ड सेल नहीं चाहता है तो वो ना खुलेगा ना बंद होगा मतलब गार्ड सेल हैज द फंक्शन टू फैसिलिटेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इसको खुलने का मतलब है कि गार्ड सेल वहां पे एक्टिवेट कर रहा है उसको ओपनिंग करने के लिए अलाउड कर रहा है अगर ये नहीं खुले इसका मतलब यहां पे अलाउड नहीं कर रहा है अब दूसरी चीज दिन से देखिए कि गार्ड सेल गार्ड सेल जब गार्ड सेल के थ्रू जब वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल के थ्रू जब वाटर फ्लो करता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाता है फूल जाता है जैसे देखिए गार्ड सेल के थ्रू जब वाटर ये फ्लो किया तो गार्ड सेल क्या हो गया फूल गया और ये कर्व्ड हो जाता है अब जब कर्व्ड हो जाता है तो जरा इसके जरा देखिए ये मान लीजिए ये गार्ड सेल है और ये गार्ड सेल है अब, अब जब ये चीज इसमें पानी भरेंगे पानी फ्लो कर रहा है तो ये चीज़ कर्व्ड हो जाता है और कर्व होने की वजह से बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको इसके बीच में इसके बीच में जो स्पेसेस दिख रहा है ये ये यही है आपका क्या पोर तो अब क्या हो गया ये खुल गया पोर खुल गया अब यहां से जब खुल गया तो इसमें गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है और फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो बाई प्रोडक्ट के रूप में जो गैसेज बनता है आपका ऑक्सीजन ये आपका एंट्री एंड एग्जिट कर सकता है कब जब सेल ओपन है तब गार्ड सेल स्वेल हो गया है तब जब फूल गया है तब आपके आपका ये टमाटर पर खुलता है और इस टमाटर पर जब खुलता है आपका तो ये चीज एक्सचेंज हो सकता है ये गार्ड सेल जो ये जो इसके बाद अब बात करते हैं तो अब यहाँ पे आपका गार्ड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है गार्ड सेल के थ्रू और आपके लिप्स के ये ग्रीन लिप्स में इंटर कर जाता है दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और बात करेंगे तो ये जरा देखिए यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पोर्स दिख रहे होंगे ये आपके सेल में होते हैं गार्ड सेल में होते हैं एक चीज और कि जब ये श्रिंक करता है जब ये वाटर यहां से लॉस होता है मतलब अगर यहां से इस गार्ड सेल में से वाटर लॉस हो जाएगा तो जब वाटर लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिकुड़ जाएगा श्रिंक कर जाएगा और जब श्रिंक कर जाएगा तो ये स्ट्रेट हो जाएगा कुछ इस तरह से इस तरीके से तो ये चीज क्या हो गया स्ट्रेट हो गया गार्ड सेल और गार्ड सेल जब स्ट्रेट हो गया तो ये यह पोर क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा मतलब यहां से अब आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाट ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या बोलते हैं वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंजेज नहीं होगा द मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टेक्स प्लेस थ्रू द गार्ड गार्डसेल स्टोमाटा सॉरी एक चीज और आपको बता दूं कि जब पोर ओपन रहता है टोमाटल पोर जब ओपन रहता है डेट इज इन द डे टाइम मैक्सिमम डे टाइम में ओपन रहता है ना तो जब स्टोमाटल पोर ओपन रहता है तो वहां से मैक्सिमम बहुत ज्यादा वाटर का लॉस होता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द टोमाटल ओपनिंग पोर अब होता क्या वहां पे? तो जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो वो क्या करता है वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करता है और कंजर्व करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है स्टोमाटल पोर को क्लोज कर देना पड़ता है मतलब वाटर को कंजर्व करना है इसका मतलब स्टोमाटल इस पोर को क्लोज कर दीजिए और वहाँ से आपका वाटर क्या हो जाएगा कंजर्व हो जाएगा अब यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन आता है कि क्या ये सारे के सारे जो क्लोरोप्लास्ट होते ये सारे के सारे ये ग्रीन लीव्स में ही होते हैं नहीं प्लांट के किसी भी पोर्शन अगर ग्रीन है चाहे वो स्टीम हो या फिर लीव्स हो तो वहाँ से आपका फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस होने के साथ साथ वहाँ पे ये भोजन भी बनाएगा वो फोटोसिंथेसिस तो होने उसके साथ साथ गैसेस का एक्सचेंज भी होगा दूसरी चीज बात करें तो वहां पे एक चीज़ और आती है कि ब्रॉड लिप्स मतलब एक चौड़े पत्ते किसी देखे होंगे किसी प्लांट्स का जो लिप्स होता है बहुत चौड़ा होता है और किसी प्लांट का जो लिप्स होता है बहुत छोटे छोटे जैसे देखिए ये, ये तो नैरो लिप्स है नैरो नैरो बहुत छोटा छोटा लिप्स है लेकिन किसी का जो होता है ब्रॉड लिप होता है चौड़ा लिप्स होता है तो होता क्या है कि अगर वो किसी प्लांट का लिप्स नैरो हो पतला हो इस तरीके से छोटा छोटा हो तो इसमें जो स्टोमाटल पोर होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है दोनों तरफ इधर भी स्टोमाटल पोर होगा और इधर भी होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेकिन अगर बात करें यही चीज कि ब्रॉड लिप्स में तो ब्रॉड लिप्स अगर मान लीजिए केले के पत्ती देखिए बहुत चौड़ा होता है तो उस तरीके से अगर पत्ती कोई है तो उसमें इस तरफ से स्टोमाटल पोर नहीं होता है वो लोअर पोर्सन में स्टोमाटल पोर होता है सिर्फ सिर्फ लोअर पोर्सन अब यहां से एक चीज और डेजर्ट प्लांट कैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये सॉरी एक्वेटिक प्लांट आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है उस उसके पास तो वो चीज एयर कंटेक्ट होता नहीं है तो जो वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए लेता है अब हम लोग बात करेंगे कि ये प्लांट वाटर कैसे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया सनलाइट ले लिया अब वाटर कैसे लेगा तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है सॉरी वाटर की जरूरत होती है वो तो बेसिकली लेता है कहां से सोइल से जैसे देखने की कोशिश कीजिए प्लांट को जो वाटर की जरूरत होती है वो रूट्स के थ्रू सोएल से लेता है और सोयल से लेते हुए यहां से ले जाने के लिए वाटर को ले जाने के लिए वाटर और मिनरल्स को ले जाने के लिए यहां पे इसके पास एक एजेंट होता है जिस एजेंट का नाम है आपका जाइलम वेसल जाइलम वेसल क्या करता है रूट से प्लांट के रूट से प्लांट के सॉइल से प्लांट में जो नीचे जो सॉइल होता है रूट्स जिसमें एम्बेडेड होता है उस स्वाइल से रूट्स के थ्रू वाटर को क्या करता है अब्जॉर्ब करता है और वाटर को अब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करके कहा लेके जाता है पे लेके जाता है लीव्स में क्या होता है यहां से आ गया आपका एच टू सन से आ गया सनलाइट से आ गया लाइट यहां से आ गया आपका CO2। टू अब इन तीनों की मदद से यहां पे क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करके यहां पे बनाता है ग्लूकोज ग्लूकोज बनाता है और इस ग्लूकोज को ग्लूकोज को बनाता है और इस ग्लूकोज को क्या करता है वापस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा देता है सो खैर हम लोग बात करने वाले थे कि वाटर कैसे लेता है तो प्लांट को जो जो जरूरत होती है वाटर की वो क्या करता है सॉयल से रूट्स के थ्रू आपको उस वाटर को ले लेता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने वाला उसके पास एक एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं चाइलम फेसस जिसको आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ लिया है अब ये क्या होता है कि जब इसके साथ साथ अब जरा सोचिए और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है जो प्रोसेस होता है वाटर को नीचे से लेने की सॉयल से रूट्स के थ्रू जो ऊपर की तरफ चला जाता है ये, ये प्रोसेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे ये वाटर को क्या करता है ये से लेकर के प्लांट के लिप्स तक पहुंचाता है ग्रीन पार्ट तक पहुंचाता है ताकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो जाए अब क्वेश्चन आता है कि सर ऑस्मोसिस क्या है तो ऑस्मोसिस क्लास नाइन्थ के सेल में पढ़ाया गया था लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब ये ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर या फिर सॉल्वेंट वाटर या फिर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है वाटर और सॉल्वेंट का डिफ्यूजन जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मतलब ऑस्मोसिस क्या है एक प्रोसेस है जिसमें वाटर या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट आपको पता होगा वाटर या सॉल्वेंट का डिफ्यूजन किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हायर कंसेंट्रेशन लेवल से लोअर कंसेंट्रेशन लेवल की तरफ हो तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन मतलब जिधर ज्यादा कंसेंट्रेशन है वाटर का जिधर ज्यादा कंसेंट्रेशन इसमें कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा किधर है तो इधर है ये रूट्स में है सोयल में है तो यहां से अगर ऊपर की तरफ जिधर वाटर का कंसनट्रेशन कम है इसके तरफ अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस यहां पे एक वर्ड आया है कि सेमी परमिबल मेंब्रेन सेमी परमिबल मेंब्रेन क्या है एक ऐसा मेंब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को या फिर वाटर पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ करता है और सॉलिड पार्टिकल्स को रोक देता है उसको बोलते हैं आपका सेमी परमिएबल मेंब्रेन अब वाट ये प्लांट को सिर्फ वही चीज नहीं चाहिए सिर्फ वाटर ही नहीं चाहिए उसके साथ साथ कुछ मिनरल्स चाहिए नाइट्रोजन चाहिए आयरन चाहिए मैग्नीशियम चाहिए फास्फोरस चाहिए तो इस चीज़ को कहाँ से लेता है तो इस चीज़ को भी वो सोयल से लेता है ये चीज़ को उसके बॉडी को बिल्ड करने के लिए मदद करता है तो ये चीज़ वो सोयल से लेता है और इसी वाटर के साथ वो रिजॉल्व होकर के और वो उसके साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है मतलब वाटर में घुल मिल जाता है और इसके साथ वो चीज़ क्या हो जाता है

ये रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइटाइट में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको वो प्लांट क्या करता है लेता है अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए और वो अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए सो so, प्लांट सिर्फ और सिर्फ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और ये चीज़ ये तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट ये तो इसके मटेरियल मेटेरियल मतलब मेन मेन चीज़ है मेन कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए लेकिन इसके साथ साथ उसको चाहिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस आयरन और आपका मैग्नीशियम ये सारे के सारे चीज़ चाहिए उनको सो so, ये सारे के सारे चीज प्रजेंट होता है स्वाइल्स में और इस सोयल्स में से वो चीज़ ले लेते हैं सो so, आज की क्लास में बस इतना ही अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बाद थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में उसमें कुछ फोटो संसलेटेड जो क्लो, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जो फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे सो so, आज बस इतना ही थैंक यू क्लास